हेलो एवरीवन, वेलकम बैक, वेलकम टू आई केयर टेकर। आई एम डॉक्टर दीपक ठाकुर। आज की वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं कि स्क्विंट की जो सर्जरी होती है वो कितना उनका कॉस्ट रहती है, सर्जरी हमारे लिए अच्छी है या नहीं, और पूरा सर्जरी का डिटेल में बात करेंगे। पिछली वीडियो में हमने बात करा था कि स्क्विंट कितने तरह की होती है, भेंगापन कितने तरह का होता है, और भेंगेपन में सर्जरी हमारी क्या रोल प्ले करती है। पहले हम सीधा डायरेक्ट सर्जरी करते हैं या फिर पहले हम क्या करते हैं, वो मैंने अपनी पिछले वीडियो में बताया था कि पहले हम लोग कोशिश करते हैं कि पेशेंट को दवाई और चश्मा और एक्सरसाइज से उसका भेंगापन ठीक हो जाए। अगर वो उन चीज़ों से रिकवर नहीं होता देन हम सर्जरी की तरफ स्टेप करते हैं। तो सर्जरी जो भेंगेपन की होती है वो कब कौन सी एज पे बेस्ट रहती है, अगर हमारा बच्चा छोटा है तो क्या हमको उसकी स्क्विंट की सर्जरी करा देनी चाहिए या किस एज पे उसकी सर्जरी करानी चाहिए। अगर हम नॉर्मली बात करें तो वैसे जो भेंगेपन की जो सर्जरी होती है, स्क्विंट की जो सर्जरी होती है, वो हम बेस्ट जो एक एज का क्राइटेरिया मानते हैं वो 2 से 3 साल पर मानते हैं। उस टाइम पर अगर आपके बच्चे को भेंगापन है, आप पहले ही वो डायग्नोस हो जाता है, तो उसकी सर्जरी 2 से 3 साल पे बेस्ट इसलिए होती है क्योंकि उस टाइम मसल्स जो होती हैं वो डेवलप कर रही होती हैं। अगर उसी टाइम पे किसी मसल्स में कोई एबनॉर्मेलिटीज़ है, कोई मसल्स डिसफंक्शन है, वो अच्छे से अपना काम नहीं कर रही है या फिर वो ज़्यादा काम कर रही है, तो उसको उसी टाइम पर हम ठीक कर देते हैं जिससे मसल्स बाद में अच्छे से रिकवर हो जाए। बाकी ऐसा नहीं है कि बाद में स्क्विंट की सर्जरी नहीं होती, वो बाद में भी हो जाती है, जब एज ज़्यादा होती है उस टाइम भी हो जाती है, एडल्ट में भी हो जाती है। स्क्विंट की सर्जरी में क्या खर्चा आता है, हम स्क्विंट की सर्जरी में क्या करते हैं, अब हम उसके बारे में बात करते हैं। स्क्विंट की सर्जरी में जो खर्चा स्टार्ट होता है वो होता है 25,000 से। बाकी डिपेंड करता है हॉस्पिटल पे, सर्जन पे, फैसिलिटी पे और आपकी आई कंडीशन पे कि आपकी सर्जरी कितने में हो। बाकी अगर एक एवरेज देखा जाए तो 30-35-40 हज़ार तक स्क्विंट की सर्जरी हो जाती है। बाकी स्क्विंट की सर्जरी 25,000 से लेकर 1 लाख तक होती है, जिसमें जो क्राइटेरिया होता है वो ये होता है, जैसे हमारी जो आँख होती है उसके अंदर हमारी 6 मसल्स होती हैं, 2 मसल्स ऊपर होती हैं, 2 साइड में होती हैं और 2 एक ऊपर ऐसे एक ऐसे। तो हमारी आँख में 6 मसल्स होती हैं जिनमें हमारी अगर कोई भी मसल्स हाइपर फंक्शन है, मतलब जितना उसको काम करना चाहिए उससे ज़्यादा काम कर रही है, या फिर कोई मसल्स टाइट है या लूज़ है, या फिर कोई मसल्स अपनी और कुछ उसमें एबनॉर्मेलिटीज आ रखी हैं, तो वो हम रिपेयर करते हैं। अगर कोई मसल्स टाइट हो रखी है तो उसको हम लूज़ करते हैं सर्जरी करके। अगर कोई मसल्स लूज़ हो रखी है जो हमारी आईबॉल को थोड़ा पूरा रोटेट नहीं कर पा रही है तो उसको हम टाइट कर देते हैं। अगर आपकी कोई मसल्स डैमेज है या कोई भी उसमें दिक्कत है तो हम उन मसल्स को रिपेयर करके आपकी आँख की जो डायरेक्शन है, आपकी आँख का जो फोकस है वो एकदम ठीक कर देते हैं, जिससे आपकी सारी मसल्स ठीक से काम करने लगती हैं और आपका जो आँख का तिरछापन था वो अब ठीक हो जाता है। तो मसल्स हमारी ठीक होने के बाद हमारा पूरा एकदम, मतलब हम नॉर्मल हो जाते हैं या नहीं होते, कितने परसेंट केस होते हैं, तो अगर हम देखा जाए तो 90% तक हम मसल्स को ठीक करके आपकी रिकवरी कर देते हैं। 10% चांस होते हैं कि पेशेंट पूरा रिकवर ना हो पाए, पर इतना हो जाता है कि आप नॉर्मली उसको नहीं पहचान सकते, नॉर्मली पेशेंट सबको नॉर्मल ही लगेगा, स्क्विंट ठीक हो जाता है। अगर आपकी आँख की 2 मसल्स ख़राब हैं या फिर 1 या फिर 3 मसल्स ख़राब हैं तो ऑपरेशन में उसके खर्चे की बात करें तो क्या आता है, 1 मसल्स अगर आपकी ख़राब है तो 20 से 40 हज़ार रुपये तक खर्चा आता है। अगर आपकी 2 मसल्स की सर्जरी हो रही है तो 40 से 60 हज़ार तक का खर्चा आता है। अगर आपकी 3 मसल्स की सर्जरी हो रही है तो 60 से 90 हज़ार या 1 लाख तक आपका खर्चा आता है। ये खर्चा आपकी आँख, आपकी कंडीशन पर भी थोड़ा डिपेंड करता है, क्योंकि जितनी मसल्स की सर्जरी डॉक्टर करेगा उतना ज़्यादा उसका चार्ज होगा। तो अगर आपको सर्जरी के बाद
भी कोई दिक्कत आती है या आपका भैंगापन थोड़ा बहुत रह जाता है तो उसकी सर्जरी कुछ केसों में, बहुत कम केसों में, फिर से भी करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि एक सर्जरी में आप एकदम बिल्कुल ठीक हो जाएं। तो और हमको बाकी अगला जो टॉपिक है जिस पर हम बात करने वाले हैं वो है कि हमको सर्जरी के बाद क्या क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए, क्या क्या अपनी डाइट में चेंजेस लाना चाहिए, क्या क्या हमको अपनी आँखों के लिए बचाव रखना है सर्जरी के बाद, वो मैं अपनी अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्या क्या प्रिकॉशन आपको लेने हैं सर्जरी अगर आपने कराई है तो, और कैसे हमारी सर्जरी रिकवर होती है, वो सब मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।